कुल्लू जिला के बंजार में हुए भीषण बस हादसे पर कांग्रेस पार्टी ने परिवहन मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बस हादसे में अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी लेने और घायलों को 50,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान करने की सरकार से मांग की है। गत दिनों हुए बंजार बस हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस हादसे के लिए प्रदेश सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान इस दुर्घटना की वजह सड़क की खस्ता हालत और ओवरलोडिंग बताया। उन्होंने कहा कि यदि ये हादसा विश्व के किसी अन्य देश में पेश आता तो पूरा तंत्र हिल जाता। राठौर ने इस हादसे के लिए जिम्मेवार बस संचालक को परिवहन मंत्री की ओर से क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री हादसे की जांच की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके मंत्री दोषियों को बचाने में जुटे हैं। उन्होंने इस जांच को बेबुनियाद बताया और परिवहन मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। साथ ही राठौर ने बस हादसे में अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी लेने और घायलों को कम से कम 50,000 रुपए की राहत राशि देने की भी मांग उठाई। कुलदीप राठौर ने सरकार को सड़कों की दशा सुधारने और खड़ी बसों को चलाने की भी सलाह दी ताकि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति न हो। कुलदीप राठौर ने कहा कि सड़कों के किनारे खासकर खतरनाक स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाए जाने चाहिए। उन्होंने JNNURM के तहत मिली 117 और 25 इलेक्ट्रिक बसों को खड़ा रखने पर भी सरकार को आड़े हाथ लिया और इस मामले की जाँच किए जाने की आवश्यकता जताई। देखिए, मैं 22 तारीख को जो है मैंने मंडी और कुल्लू में जाके जो है अस्पतालों में घायल हैं उनसे जाके मैं खुद मिला और खुद मैंने पूरी वस्तु स्थिति को जाके वहाँ देखा और जो उस बस में बैठे थे जिस वक्त ये घटना हुई जो घायल हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई और कुल मिला के ये जो मामला है ये कोताही का मामला है और जो बस हादसे का शिकार हुई वो बहुत पुरानी बस थी और उसे ट्रांसपोर्ट से HRTC से खरीदा गया था और काफ़ी खस्ता हालात में थी। दूसरा, जहां ये घटना हुई वो सड़क भी जो है बहुत बुरे हालात में और वहां जो क्रैश बैरियर है या पैराफिट जो है वो वहां पे नहीं था और बस जो है खचाखच भरी थी। 42 सीटर बस में 45 यात्रियों की तो मौत हो चुकी है और इतने ही लगभग और जो है अभी घायल हैं जो जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये कुल मिलाकर ये जो हादसा हुआ है इससे पूरे क्षेत्र में रोष है और मुझे ये भी बताया गया कि जब घटनास्थल से घायलों को बंजार प्राथमिक चिकित्सा के लिए ले जाया गया तो अस्पताल में लाइट नहीं थी। लोगों ने अपने टेलीफोन से जो है टॉर्च का उपयोग किया और घायलों का इलाज हुआ और हालांकि सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की है लेकिन मुझे इस बात पर आपत्ति है कि जो परिवहन मंत्री है उन्होंने उस जांच की रिपोर्ट आने से पहले जो है जो बस का मालिक है जो ऑपरेटर है उसे क्लीन चिट दे दी। मुझे लगता है ये इस मामले में जो है बस ऑपरेटर को बचाने की जो है साजिश है। जैसा मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि 3 रूट जो है उस व्यक्ति के पास है और 2 बसें उस पर चल रही हैं और हालांकि अभी 40 जो बसें हैं वो कुल्लू डिपो में खड़ी है और 25 इलेक्ट्रॉनिक जो बसें वो भी खड़ी हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार ने इसलिए कोताही की है कि वो जब हमारे पास बसें उपलब्ध है और जिस रूट पे रश रहता है उस रूट पे हम उन बसों को क्यों नहीं चला सकते तो कहीं ना कहीं ये बस ऑपरेटर जो है उनको फायदा देने की बात। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्र में बसों और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सड़कों की यदि ये हालत है तो अन्य स्थानों का अंदाजा स्वतः ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।